दोस्तों मेरे ध्यान में एक ढाबा है जहाँ पर हम 10 बजे तो क्या कल सुबह तक जबरदस्त पार्टी कर सकते। कौन सा? अरे वाह, अरे पप्पू दा ढाबा। अरे पप्पू दा ढाबा। अरे पप्पू, अरे दिल फिर कर देता। अरे ये सोडियम हड्डी तोड़नी है क्या? ए सोडी क्या कर रहे हो भाई, उसको से मारो मत, उसको सलामत रखो, उसके घर पे पार्टी करनी है हमें। एक बार पार्टी होने दो, उसके बाद फिर। सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा हूँ बोपटला, लेकिन तुमने जगह का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, इसलिए थैंक यू। हमेशा हमेशा के लिए भिड़े। अभी जब भी हमें पार्टी सार्टी करनी होगी, पोपटलाल का घर फिक्स। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक आप जब चाहे मेरे घर पर पार्टी कर सकते, लेकिन एक बार मेरी शादी हो गई उसके बाद पोपुदा ढाबा बंद। तो तेरी शादी होने के बाद ना? अरे हाँ हाँ, शादी होने के बाद ही, तब तक आप मेरे घर पर पार्टी कर सकते हैं। और हाँ, मेरी एक शर्त। क्या? तुम्हारा शादी करा दे। अरे रे भाई, नहीं नहीं, इससे अच्छा तो दूसरी लोकेशन तलाश कर लेते हैं। इसकी शादी कराना तो मतलब हम मुश्किल काम है। नहीं नहीं नहीं, शादी कराने की शर्त नहीं है। तो क्या तुम्हें एक दिन का घर का भाड़ा चाहिए? अरे क्या बोल रहे हो भिड़े, मैं 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ पत्रकार पोपटलाल का दिल बहुत बड़ा है, मैं आप लोगों से एक दिन का भाड़ा लूंगा। नहीं नहीं, अगली बार ऐसा बोला ना तो मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। सॉरी 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 पोपटलाल, तो फिर शर्त क्या है? बस छोटी मोटी शर्त है भाई, पार्टी के बाद मेरे घर की सफाई करने में आप सब मेरी मदद करेंगे। क्या ना, मैं अकेले साफ सफाई करता हूँ तो उसमें बहुत टाइम जाता है। तो इतनी सी बात को डन है, डन है। पोपटलाल, पार्टी के बाद हम सब लोग मिलकर तुम्हारा घर साफ कर देंगे। हाँ। ओह अय्यर भाई, घर साफ कर देंगे नहीं, घर की सफाई कर देंगे। घर साफ कर देंगे मतलब तो सब माले उड़ेंगे। पोपटलाल तुम चिंता मत करो, हम सब मिलके पार्टी शार्टी के बाद तुम्हारे घर की सफाई कर देंगे बढ़िया से। ठीक है, तो फिर पोपुदा ढाबा डन। दोस्तों पार्टी कब करनी है ये तय हो गया, हो गया। और कहाँ करनी है ये भी तय हो गया। एक मिनट, ये पार्टी करने की खुशी में हम लोग एक बड़ी समस्या तो भूल ही गए। कौन सी? क्या? अरे हमारी पत्नियों की समस्या। एक तो हम लोग गोकुल धाम में पोपटलाल के घर पे पार्टी कर रहे हैं, तो उसके घर पे जाएंगे कैसे, पत्नियों को क्या बोलेंगे, मतलब उनको मनाएंगे कैसे? सेठ जी, आप बापूजी से क्या कहोगे? बापूजी से तो मैं कोई ना कोई बहाना बना के निकल लूंगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम आप लोगों का है। दोस्तों आप लोग अपने अपने घर पे क्या बहाना बना के पार्टी के लिए निकलोगे? नहीं, ये सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं है जेठालाल, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। हम क्या बोलेंगे अपनी पत्नियों को? और अंजलि के सामने अगर मैं झूठ बोल के निकला पार्टी शार्टी के लिए, तो उसके पास तो बतौर पत्नी जो सेवंथ सेंस है ना, उससे तुरंत ताड़ लेगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और पार्टी शार्टी करने जा रहा हूँ। हाँ, मेरे लिए भी कोमल को बहाना देना बहुत मुश्किल होगा। ओ यारो, वो बहाना करके मैं किसी तरह घर से तो निकल जाऊंगा, लेकिन जब पार्टी शार्टी करके घर पहुंचूंगा ना, तो उसे पता चल जाएगा, वो हंगामा खड़ा कर देगी, पर नहीं छटेगी मेनू। और फिर तो हम सबका वाइफ को पता चल जाएगा और फिर वो सब मिलकर हंगामा कर देगा। सेठ जी, अगर हंगामा हुआ तो बापूजी को पता चल जाएगा कि आप बहाना बनाकर पार्टी शार्टी करने गए थे। क्या करें भाई, पत्नियों को बता नहीं सकते, उनसे छुपाएं कैसे, क्या करें इस टेंशन का। काश मेरी भी पत्नी होती और मैं उससे छुपकर आप सबके साथ पार्टी करता। गोकुल धाम के पुरुष पंडित की पार्टी शार्टी वाली पार्टी सक्सेसफुल होने जा रही है। पोपटलाल जी, आप घर पे पार्टी शार्टी कर रहे हो, आज तो मैं आपकी दुनिया हिला दूंगी। अरे रुको रुको,
अरे अरे डरो मत, अरे मैं रुको, अरे दोस्तों ये कोई तरीका है? जब भी मैं बाहर जाऊँ तब आप दोस्तों को बुला के पार्टी शार्टी करते हो? आज तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कितना अच्छा लग रहा है तुम मुझे डांट रही हो तो, और कितना मीठा डांटती हो। अरे मैं आपको गुस्सा कर रही हूँ और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, लगता है आज आपकी पिटाई करनी ही पड़ेगी। अरे अरे रुको, अरे रुको, अरे अरे रुको, अरे भाग्यवान रुक जाओ। अरे अरे वाह 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 वाह, कितना मजा आएगा जब मेरी लाइफ में ये सब होगा। पार्टी करते हुए मेरी पत्नी मुझे पकड़ेगी, पीटेगी, डांटेगी, सजा देगी। पता नहीं मेरे जीवन में ऐसे सुनहरे दिन कब आएंगे। कोणाचं काय तर कोणाचं काय।